नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। सिवान में आए दिन खून खराबा और गोलीबारी की घटनाएं आम हो चुकी है। अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बीती रात आपको बता दें कि महज थूक का छींटा पड़ने से अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। अब पूरे सिवान में सनसनी फैली हुई है। आपको बताते चलें कि रविवार की देर शाम सिवान शहर में एक आपराधिक घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। यहां बताते चलें कि सराय OP थाना क्षेत्र के पुरानी किला मोहल्ला में किराए के मकान में रह रहे एक उत्तर प्रदेश के कपड़ा व्यवसायी को अपराधियों ने उसके सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। यह घटना का अंजाम इसी मोहल्ले के 3 सशस्त्र अपराधियों ने घर में घुसकर दिया। घटना का अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी आसानी से भाग निकले। तक सिवान में अपने अन्य साथियों के साथ पुराने कपड़े खरीद बिक्री का कार्य करता था। बताया जाता है कि महज थूक का छींटा पड़ने के कारण बौखलाए अपराधियों ने इस व्यक्ति की जान ले ली है। मृतक की पहचान एहसान मलिक 25 वर्ष, पिता गुलाम मलिक, ग्राम जलालाबाद, जिला शामली, उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है, जो पुरानी किला पोखरा स्थित समीम आरा पति मुश्ताक अली के मकान में मृतक अपने अन्य साथियों के साथ लगभग 1 वर्षों से किराया पर मकान लेकर रहता था। अपराधियों के गोली के शिकार घायल एहसान मलिक को उसके अन्य दो साथियों में क्रमशः शौकीन मलिक तथा अमजद एवं मकान मालकिन शमीम आरा ने इलाज हेतु सिवान के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभिषेक कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर श्री जयप्रकाश पंडित दल बल के साथ सिवान सदर अस्पताल पहुंचे, जहां इंस्पेक्टर श्री पंडित ने मृतक के अन्य दो साथियों के साथ पूछताछ की और पुलिस ने मकान मालकिन के बातों में विरोधाभास पाया, इसलिए मकान मालकिन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर इस तरह की हुई हत्याकांड से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैली हुई है। सदर SDPO जितेंद्र पांडे के निर्देश के आलोक में सराय OP प्रभारी श्री तनवीर आलम समेत कई पुलिस पदाधिकारी मोहल्ला में गश्त लगा रहे हैं। इस संदर्भ में सराय OP प्रभारी श्री तनवीर आलम ने कहा कि घटना में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम की भी गठन कर दिया गया है। जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह सिवान जिला के लिए कोई आम घटना नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं लगातार सुनने को मिल रही है। अपराधियों के मन में किंचित मात्र में भय नहीं है प्रशासन का। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान।